नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। रात पूरी हुई, दिवस की शुरुआत। सारा दिन हमारे पास है, हम कैसे इसे बिताना चाहेंगे इसे हम निश्चित कर लें, आनंद के साथ, खुशी के साथ, औरों को खुशियां बांटते हुए। वो कहते हैं कि कल जो भी हुआ उसे कल में ही रहने दें और आज एक सुंदर नई शुरुआत करें। तो पूरे उमंग के साथ, खुशी के साथ आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। भूल करने में पाप तो है ही, पर भूल छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है। हम सोचते हैं कि गलती स्वीकार करना और सच बोलना सामने वाले को हमें काटने के लिए कुल्हाड़ी सौंपने जैसा है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें गलती नहीं करनी चाहिए और हम जो भी करें हमें उसके लिए सभी से प्रशंसा मिलनी चाहिए, और सार्वजनिक अस्वीकृति के डर से हम अपनी कमियों को छुपाते हैं। जब हम दूसरों की नजर में परफेक्ट दिखना चाहते हैं तब भी हम अपनी खामियों को छुपाते हैं और सफलतापूर्वक नकली पूर्णता प्राप्त करते हैं। लेकिन हम वास्तव में जो है वैसे ही रहना यह अनिर्वचनीय रूप से सुंदर है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे मुझे आप जैसे हैं वैसे ही पसंद है। याद रखें कि आप दिव्य गुणों वाली आत्मा हैं और उन गुणों के स्वरूप बन के रहने से सारी दुनिया आप पे ही सराहना करेंगे। तो भूल हो ही ना, ये कोशिश करें, और यदि हो तो उससे सीख करके आगे बढ़ें। और आइए इसे सीख के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। मित्रों, आजकल बहुत सारे मेडिटेशन प्रचलित हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मेडिटेशन करें, कौन सा हमारे लिए लाभदायक होगा, ये करें ये करें ये करें, कौन सा क्या, बहुत सारी चीज़ें। रियल मेडिटेशन क्या है कई बार हमें उसकी तलाश रहती है, इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रियल मेडिटेशन। आइए जानते हैं कि ये हमारे तन और मन को किस प्रकार प्रभावित करता है, किस प्रकार स्वस्थ रखता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज सुनते हैं आप चारों तरफ टेलीविजन पर में, मीडिया में, योग मेडिटेशन के बारे में लोग अधिकतर बात करते हैं, आसनों की, प्राणायाम की और बहुत सारी क्रियाओं की बात करते हैं। जबकि रियल योग और मेडिटेशन, इसका अर्थ क्या है? योग का अर्थ है, मेडिटेशन का अर्थ है कनेक्शन, शाब्दिक अर्थ ही योग माना जोड़, संबंध। किससे कनेक्शन? सत्य से कनेक्शन, कनेक्शन विद द ट्रूथ, अपने सत्य से जुड़ जाना, इसको ही योग कहते हैं, इसको ही मेडिटेशन कहते हैं। अब देखिए, ट्रूथ क्या है, सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की दो विशेषताएं हैं, एक तो सत्य एटर्नल होता है, शाश्वत होता है, सदा होता है, जन्म मरण से परे होता है। दूसरे सत्य की परिभाषा क्या है? दूसरे सत्य की परिभाषा है कि वो अपरिवर्तनशील, अनचेंजेबल होता है। तो हम अपने अंदर देख लें, पहले तो हम अपने अंदर से जुड़ने की कोशिश करें कि मेरा सत्य क्या है। आप अपने आप को देखिए, क्या देह, पहले तो हम अपने आप को देह देखते हैं, दूसरों को भी देह देखते हैं, क्या वो सत्य है? देह एक दिन पैदा होती है और एक दिन मर जाती है, गर्भ में आत्मा आती है और जिसने निकल जाते हैं कहते देहांत हो गया। तो देह तो सत्य नहीं है, देह रोज परिवर्तन हो रही है, शाश्वत भी नहीं है। जो रोल, जैसे मैं सतीश गुप्ता, तो सतीश गुप्ता मेरे माता पिता ने नाम रखा, मैं नाम चेंज भी कर सकता हूँ। डॉक्टर मैं 23 साल की उम्र में बना। ऐसे आप अपने आप से बात करिए, तो क्या आपका नाम सत्य है, क्या शरीर सत्य है? सत्य क्या है? सत्य ह्यूमन बींग, आत्मा सत्य है। बींग माना सोल, और ह्यूमन माना ह्यूमन शब्द से आया, जिसे सॉयल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ये जो है ये असत्य, असत्य माना जो सदा रहने वाली नहीं है। तो इस सत्य से जुड़ना कि मैं देह नहीं, मैं एक ऊर्जा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, स्पिरिचुअल एनर्जी हूँ, आई एम ए बींग, इस बात से जुड़ेंगे, इसी को हम योग कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। इससे आपके जीवन में डर निकल जाता है, चिंता निकल जाती है, उदासी निकल जाती है, चिड़चिड़ापन निकल जाता है, आपके जीवन में शांति, प्यार और खुशी आ जाती है। तो दोस्तों, याद रखें, आई एम अ बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग,
आई एम ए लवफुल बींग, आई एम ए हैप्पी बींग, बार बार सारे दिन में अपने आप को इसको रिमाइंड करते रहें और आप देखें आपके जीवन में शांति, प्यार और खुशी भर जाएगी। ओम शांति। मित्रों, मेरा एक मित्र हंसी में कहा करता था कि आजकल सारे संसार में KPM कल्चर प्रचलित है, खाओ पियो मौज करो। तो मैं उसे कहा करता था कि ये तो ठीक है, लेकिन इसमें एक M और जोड़ दो, खाओ पियो मौज करो लेकिन साथ साथ मेडिटेशन करो। यदि मेडिटेशन करेंगे तभी खाते पीते मौज भरे जिंदगी का आनंद ले पाएंगे। आप सब आनंदित रहें और मेडिटेशन करें, इसी सुंदर संकल्प के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हमारा देश एक ऐसा आध्यात्मिक देश है जहां हर स्थान पर सुंदर से सुंदर स्थल मंदिर के रूप में, साथ ही साथ हमें प्रेरणा देने वाले स्थानों के रूप में स्थित हैं, जिनकी हम रोज़ ही सैर करते हैं स्पिरिचुअल इंडिया के तहत। तो आइए आज चलते हैं हम नाथद्वारा, जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। लाखों करोड़ों लोग वहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और एक ऐसी सुंदर आध्यात्मिक नगरी जो हमारे मन को आध्यात्म से भी रंगती है और साथ ही हमें मेडिटेशन करने के लिए भी प्रेरित करती है। आइए चलते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर राजस्थान के सिहाड़ गांव पर स्थित है, जिसे आज हम नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ और श्रीनाथ जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी गई। श्रीनाथ जी भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। नाथद्वारा अपने धार्मिक महत्व के लिए काफी प्रसिद्ध है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु नगर भ्रमण की शुरुआत श्रीनाथ जी मंदिर से करते हैं। इस मंदिर के भगवान छोटे बच्चे के रूप में होने के कारण कई बार भक्त भगवान के लिए छोटे बच्चों की खेलने की चीजें भी लाते हैं। श्रीनाथ जी की पूजा भारत के अलावा रूस के कई भागों में भी की जाती है। श्रीनाथ जी की लोकप्रियता के कारण नाथद्वारा शहर श्रीनाथ जी के नाम से जाना जाता है। लोग इसे बाबा की नगरी भी कहते हैं। नाथद्वारा पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यह करोड़ों वैष्णवों की आस्था का प्रमुख स्थल है। प्रतिवर्ष यहाँ देश विदेश से लाखों वैष्णव श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ के प्रमुख उत्सवों का आनंद उठाकर भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। सचमुच प्रभु का रंग ही ऐसा है, उनका नाम ही ऐसा है जो व्यक्ति मग्न हो जाता है। और श्रीनाथ जी में हमने भी यही देखा, इसी का सुंदर अनुभव किया। और इस सुंदर भाव को भजन सम्राट, जिन्हें हम अनूप जलोटा जी के नाम से जानते हैं, इतने गहरे भाव से उन्होंने गाया है कि गली गली में इस गीत की गूंज रहती है, जो हमें भक्ति के रंग में रंग देती है। पद्मश्री से सम्मानित अनूप जलोटा साहब जी के सुंदर अनुभव आध्यात्म के बारे में यही कहते हैं कि ये जीवन का एक आधार है, नींव है। हम सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर इसे अपने जीवन का अंग बनाएं। आइए सुनते हैं अनूप जलोटा जी का सुंदर अनुभव। मेडिटेशन, ध्यान को विशेष प्राथमिकता दी जाती है, इस ध्यान को, इस मेडिटेशन को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं अपने अंदर जाने के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तो यहाँ किया है जी। 1983 में मैं बाबा के कमरे में गया था, छोटा सा कमरा जिसमें दो तीन लोग ही बैठ सकते थे जी जी, जो कुटिया है झोपड़ी, वहाँ बैठ के मैंने मेडिटेशन किया और मैं वहाँ से बाहर आने को तैयार नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती बाहर लाया गया था। मुझे वहाँ इतना आनंद आ रहा जी जी। तो ये सब स्थान जो होते हैं ये बड़े ही पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे वाइब्रेशन आए हुए होते हैं। वहाँ बाबा ने बैठ के तपस्या की है, वहाँ उन्होंने बैठ के ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, तो ऐसे स्थान बड़े ही शक्तिशाली हो जाते हैं जी जी। इसलिए ऐसे स्थानों पर ज़रूर जाना चाहिए, फिर वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं। मुझे जब दयाल जी लेने आए कि आप इस बार इस कॉन्फ्रेंस में आइए, तो मैंने उनसे कहा मैं ज़रूर आऊँगा। फिर बाद में मैंने कल बोला कि मैं उनसे जब कह रहा था कि मैं आऊँगा तो मैं झूठ बोल रहा था,
क्योंकि मैं तो पहले से यहाँ था, मैं तो आया ही नहीं, मैं तो यहीं था, मुझे तो यहाँ से भेजा गया था वापस, नहीं तो मैं 83 से यहीं रह रहा हूँ, जी, आपका मन यहीं रमा हुआ यहीं है, 83 से हूँ है। जी, और यही काम मैं संसार में कर रहा हूँ जो आप लोग कर रहे हैं। हाँ जी मित्रों, जीवन में क्या करना है ये हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है कि महाभारत हमें सिखाती है, और जीवन जीना कैसे है ये हमें ब्रह्मा कुमारियाँ सिखाती हैं अपने सुंदर सेवा कार्य से, सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हुए सुनाते हुए। और यही सुंदर सेवा कार्य वो जन जन तक जाकर उनके अंदर अध्यात्म का सुंदर प्रकाश, अध्यात्म का सुंदर बीज डालते हुए करती हैं। आइए इस न्यूज हाइलाइट्स में देखते हैं उनकी सुंदर सेवा कार्यों को। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुंबई स्थित उल्हास नगर सेवा केंद्र की गोल्डन जुबली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से संस्था के मुख्यालय में मनाया गया। साथ ही सेवा केंद्र संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सोम दीदी जी की हीरक जयंती भी मनाई गई। इस उपलक्ष्य पर उल्हास नगर सेवा केंद्र द्वारा सभी मधुबन निवासी भाई बहनों का सम्मान भी किया गया। प्रथम सेवा जयपुर से शुरू हुई, वहां 3 मास सेवा के बाद फिर मधुबन आना हुआ, फिर तो ब्रजेंद्रा दीदी उन्हें अपने साथ मुंबई सेवा में ले गए। वहां सुरेंद्र का अलौकिक नाम पड़ा, सोम यानी ज्ञान से भरपूर। कुछ वर्ष मुंबई सायन में रहने के बाद ब्रजेंद्रा दीदी ने सोम बहन को एक नए स्थान की सेवा करने का अवसर दिया, वो था भारत का दूसरा सिंध यानी मुंबई के नजदीक उल्हास नगर। महिमा तो उसकी है जिसने हमें कोने कोने से, कंदराओं से निकाल करके इस मैदान में लाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजे इस महफिल में संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी के साथ ही सभी वरिष्ठ भाई बहने मौजूद थे। दादी जी के साथ साथ मुन्नी दीदी, भ्राता निर्वैर जी, भ्राता ब्रजमोहन जी तथा भ्राता मृत्युंजय जी ने भी अपनी शुभकामनाएं भेंट की। कार्यक्रम के अंत में गॉडलीवुड स्टूडियो के प्रभारी भ्राता हरिलाल जी ने वोट ऑफ थैंक्स देते हुए सबको आभार प्रकट किया कि शुरू शुरू में हमारी प्रकाशमणि दादी भी वहाँ उल्लास नगर में एक छोटे से मकान में रहती थी और वहाँ से बॉम्बे में आके सेवा करती थी। जानकी दादी ने भी वहाँ बहुत सेवा किया हुआ है। तो उल्लास नगर जो इतना फला फूला है ये हमारे पूर्वजों की मेहनत से, उनके संकल्पों से, उनके त्याग और तपस्या से फला है। विशेष सिंधी परिवार बहुत ही खुश मिजाज और साथ साथ बाबा के दिल पर चढ़े हुए सभी दिल तख्त नशीन हैं। ये सोम बहन का नाम सोमनाथ के साथ, और सोमनाथ जो कुछ सोम रस पिलाता है उसको उन्होंने सचमुच सार्थक किया है। जिंदगी मेरी तेली है प्यार की रहमत, मिलन की मैंने ये अर्जी लगाई है। शिलू बहन और लीला बहन ने दादी ब्रिजेंद्रा जी के साथ उल्लास नगर की सेवाओं की सफर शुरू की और आज सोमबेन के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। इन सारी सेवाओं के सफर में हरिलाल का ये सौभाग्य रहा कि वो साथ रहा है। माना ये 50 साल की सेवाओं के सफर में इन दादियों की आज्ञा अनुसार सेवा करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। वाह बाबा वाह, सब तेरी कमाल है, तू कमाल है, तेरा मधुबन कमाल है। वाह बाबा वाह, सब तेरी कमाल है, तू कमाल है, तेरा मधुबन कमाल है। मित्रों कल क्या होगा ये तो राज है,
लेकिन जिंदगी का नाम आज है। तो क्यों ना हम अपने आज को भरपूर रीति से जिए, क्यों ना अपने आज को इतना सुंदर से सुंदरतम बनाएं कि हमारा आज यादगार हो जाए, हमारा आज ऐसा बेहतरीन हो जिसमें हर कोई हमसे मिलने वाला खुश हो, संतुष्ट हो, आनंदित हो और हम भी इसके हर पल को खुशी के साथ जिएं। क्योंकि कल हो ना हो ये हम नहीं जानते, लेकिन आज हमें ईश्वर ने दिया है, इस आज को हम भरपूर रूप से जिएं। तो आपका आज बहुत ही बेहतरीन हो, खूबसूरत हो, आनंद से परिपूर्ण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।